अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मास साहब ने और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पीवीसी पैलेट। माशाल्लाह गोट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, काफ़ी सारे लोग इसके यूज़ टू हो चुके हैं और काफ़ी न्यू लोग जो है इसकी इंक्वायरीज कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है, बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ है और ज़्यादातर लोग जो है अभी जो पीवीसी पैलेट्स पे ही आ गए हैं और अपने फार्म का पूरा सेटअप इसी पर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास पीएनएस एग्रो में पीवीसी पैलेट क्या साइज़ में अवेलेबल है, क्या थिकनेस है, क्या वेट है और आप लोगों को मतलब कहाँ कहाँ तक मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है, 2x2 का यानी कि 4 स्क्वायर फीट का एक ये पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी जो है थिकनेस, ये हमारे पास अभी फ़िलहाल जो अवेलेबल है वो 70 mm थिकनेस में और इसका जो वेट है वो अराउंड 2.2 kg है। मार्केट में आप लोगों को जो है इससे कम थिकनेस वाले भी मिल जाएंगे और उसके रेट्स भी काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, अगर बकरियों का आपको फार्म चलाना है या बड़े बकरे हैं आपके पास में, तो स्पेशली आप लोगों को ये जो 70 mm थिकनेस है यही लगेगा। अगर आप कम थिकनेस में लेने जाओगे रेट्स में तो कम हो जाएगा, लेकिन आगे चल के आपको वो काफ़ी तकलीफ़ देगा। और जैसे कि एक मतलब काफ़ी कंप्लेंट ऐसी भी थी कि बकरा पैर रखते ही या इंसान भी कोई पैर रखता है तो वो पीवीसी पैलेट दब जाता है या धस जाता है, तो ऐसी कंप्लेंट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा आएगी और हमारे को भी काफ़ी लोग इंक्वायरी करते हैं कि भाई आपके रेट्स थोड़े कॉस्टली हैं। तो ऐसा नहीं है, जो हम लोग थिकनेस में दे रहे हैं उसमें आप लोगों को ये मटेरियल काफ़ी अच्छा देंगे और इंशाल्लाह आप लोग यूज़ करोगे तो एटलीस्ट 10 to 15 years ईजिली चलेगा। और सबसे इसकी अच्छी खास बात ये है कि इसका मतलब ये आप वॉश कर सकते हो, आप कितनी भी बार वॉश करोगे तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, इसमें कोई ख़राबी नहीं होगी। अभी जो पहले लोग फार्मिंग करते थे तो लकड़े का पैलेट यूज़ करते थे, उसमें 2 से 3 साल यूज़ करने के बाद गंदगी बैठ जाती है, उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा कीड़े लगने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। इसका आप लोग अगर क्लोज में व्यू देखेंगे तो ये इसका जो अंदर का डिस्टेंस है, जाली का जो डिस्टेंस है वो इतना अच्छा है कि जो बकरों के जो टॉयलेट है, वेस्टेज है, वो पूरा नीचे गिर जाएगा। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा हाइट पर बनाते हैं, ऊँची हाइट पर बनाएंगे तो आप लोगों को साफ़ सफाई करने में भी ईजी है, एक तरीके से आप लोगों का जो फार्म है वो हाईटेक फार्म हो जाएगा और क्लीनलीनेस में रहेगा, साफ़ सफाई रहेगी, हाइजीन रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो कोई भी आपके फार्म पर विजिट करता है उसको एक अच्छा लुक दिखने में मिलेगा और आपको भी जब भी आप फार्म पर एंट्री करोगे तो गंदगी स्मेल नहीं आएगी, तो ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ा हाइट पर इसको बनाना पड़ता है क्योंकि जब तक इसको हाइट नहीं देंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है, और एल एंगल में इसको बनाना पड़ता है पूरा लोखंड का एंगल देकर। तो आप लोगों को इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई इंक्वायरी करना है तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आप लोगों को काफ़ी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो 800 किलो तक की है। तो ये था हमारा पीवीसी पैलेट्स और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर आप लोग ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इसकी जो डिलीवरी है हम लोग ऑल ओवर इंडिया में भिजवाएंगे, जैसे आप लोग मुंबई में कहीं पर भी हो, महाराष्ट्र में हो या फिर राजस्थान वगैरह कहीं से भी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भिजवा देंगे। तो इस वीडियो के लिए रखते हैं, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।